कल दिनांक 10 सितंबर 2024 को अजीमाबाद थाना अंतर्गत एक मिल्की गांव है, वहां पर रहने वाले एक लालू यादव नाम का जो है विक्षिप्त मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद पत्नी और एक बेटी एक बेटा जो दोनों नाबालिग थे 9-10 साल के, उन दोनों लोगों को जो है खंती से वार करके जो है हत्या कर दिया। और उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है अभियुक्त को जो है गिरफ्तार कर लिया था, हत्यारे पिता को, और उसके बाद उसको हाजत में बंद कर दिया गया था। आगे की समय कार्रवाई चल रही थी, कुछ कागजी कार्रवाई के लिए हस्ताक्षर के लिए जो है जैसे अभियुक्त को निकाले, और वैसे ही मानसिक रूप से जो विक्षिप्त अभियुक्त था जो है PSI को धक्का देते हुए और थाने की बाउंड्री के पास से कूद के उधर, क्योंकि बगल में सोनकर गिरा है और अंधेरे में कूद के भाग जाता है। इसमें जो है इनकी जो थानाध्यक्ष की अन्य लोगों की लापरवाही हुई है, तो थानाध्यक्ष और PSI राजू कुमार और साथ में जो चौकीदार महेंद्र राम है, तीनों को निलंबित कर दिया गया है और दूसरे थानाध्यक्ष में पदस्थापन किया जाता है। साथ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तीनों को स्वयं उनके नेतृत्व में एक टीम का 2-3 थानाध्यक्ष के गठित किया गया है कि जल्द से जल्द जो है जो अभियुक्त भागे उसको गिरफ्तार करें। शादी करने के बाद में इन्होंने लगातार इसको प्रताड़ित कर रहा था। हम लोग कई एक बार वहाँ जाकर ले आए, वहाँ से ले आने के बाद में ये बाला फुसला कर इधर 1 महीना हुआ ले गया था, यही घटना को अंजाम देने के लिए ले गया था। और इन्होंने बेरहमी से काट कर और फोन किया, बोला कि हमने भगवान पर भेज दिया। साथियों, मैं अशोक मानो यहाँ का 42 वर्षों से न्याय के पक्ष में खड़ा होने का काम करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।